नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो जैकेट्स प्रिंट होती हैं, टी शर्ट्स प्रिंट होती हैं, वो किस तरीके से प्रिंट होती हैं। आज प्रियांशु भाई से बात करते हैं कि टी शर्ट प्रिंटिंग करने के लिए सबसे पहला क्या स्टेप होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिजाइन मैंने रेडी करा है, ये जो साइज है A4 साइज है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल पी करना है प्रिंट के लिए। फिर यहाँ से हम प्रिंट कमांड देते हैं, इधर हम अपना प्रिंटर चूज कर लेंगे जो भी हमारा सबलिमेशन प्रिंटर है, और उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ अब हमारा प्रिंटर कमांड रिसीव कर रहा है, तो हमने कमांड दे रखा है, प्रिंटर ने भी कमांड रिसीव कर लिया है। तो जो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं वो एप्सन का L1800 प्रिंटर है, जो 6 इंक प्रिंटर है। बाकी का ये आपका A3 प्रिंटर भी है, तो इसमें जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर आता है। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रिंट हमारा निकलेगा किस प्रकार से इसका क्वालिटी आएगा, तो सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रिंट निकल गया है। तो आप देख रहे हैं, ये जो प्रिंट मैंने निकाला है ये मिरर प्रिंट निकाला है। तो जब हम मशीन पे इसको प्रिंट करेंगे फिर ये सीधा हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आपका टी शर्ट का बैक एरिया और फ्रंट एरिया दोनों निकाला है, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे पेपर की कटिंग करके यहाँ पे लेके आ चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी टी शर्ट हमारी प्रिंट हुई हैं। हम बेसिकली बैक में ये प्रिंट किया हुआ है, नीचे साइज भी डला हुआ है, और अगर आप फ्रंट को देखोगे तो नज़दीक से आके आप दिखा सकते हैं कि फ्रंट में भी प्रिंट हुआ है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जो हम टी शर्ट यूज़ कर रहे हैं ये स्पनमेटिक टी शर्ट है, और जो इसका GSM है वो है 200 से 220। तो आप देख सकते हैं 6 इंक प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी बेटर आती है। पेपर भी हमने SRS का यूज़ करा, तो जिसलिए ये थोड़ा और अच्छा प्रिंटिंग आ रहा है। और इसमें एक चीज़ सबसे अच्छा ये रहता है कि ये सबलिमेशन प्रिंट है, तो ये आपका लाइफ टाइम रहेगा, ये कपड़े के अंदर चला गया है। तो आप देख सकते हैं, इस पर आप ब्रश प्रेस कुछ भी करिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए एक प्रकार से लाइफ टाइम हो गया, प्रिंट आपका कभी जाएगा ही नहीं। तो अब हम आपको ये प्रोसेस दिखाएंगे कि अब ये हमारा टी शर्ट है वाइट वाला, तो इस पर हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे ये दोनों। तो बेसिकली अब हम प्रिंटिंग चालू करने वाले हैं, साइज वगैरह डिसाइड करते हैं, कौन सा साइज आया है उस साइज की टी शर्ट निकालेंगे, कलर निकालेंगे। मोस्टली हमारे पास सभी कलर की टी शर्ट मिल जाती हैं, सभी साइज की टी शर्ट मिल जाती हैं ऑन डिमांड। किसी भी तरह की आपको टी शर्ट चाहिए, किसी भी कपड़े में चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगी। किसी भी तरह का प्रिंट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको अपने ब्रांड के नाम से, अपने चैनल के नाम से प्रिंट करवानी है, तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपनी 5-in-1 मशीन के पास आ गए हैं। तो ये जो मशीन है हमारी 5-in-1 हीट प्रेस मशीन है। तो इसका मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, जो टाइमिंग और टेम्परेचर क्या रहता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मोड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा मिनिमम जो टाइम है वो है 380। दोबारा से क्लिक करा, जो मैक्सिमम टाइम है वो भी 380 टेम्परेचर है जो हमारा, और जो टाइमिंग है वो है 65 सेकेंड। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी 380 टेम्परेचर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी मशीन का टेम्परेचर 380 हो गया। तो बाकी का मैं दो मशीनें यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा छोटा मशीन है, तो इसका जो मैं यूज़ करूँगा फ्रंट लोगो प्रिंट करने के लिए करूँगा। तो इसका भी आपको टेम्परेचर मैं बता देता हूँ, 380 मैक्सिमम, 380 मिनिमम, और टाइमिंग रहेगा 75 सेकेंड। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। मैं सबसे पहले अपना टी शर्ट रख देता हूँ, और आप देख सकते हैं मशीन हमारा बीप कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर इसका फुल हो गया है। तो यहाँ हम लोगो रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमने लोगो रख दिया है। इसके ऊपर एक हम नॉर्मल पेपर रखेंगे और इसको सेट कर देंगे टी शर्ट को, और ये प्रेस कर दिया है। यहाँ हम अपना टाइमिंग शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मशीन हमारा बीप कर रहा है, तो टाइम इसका ओवर हो गया है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, मशीन को बंद कर देना है प्रॉपर, और यहाँ आपको सेफ्टी देखना है क्योंकि ये आपका ट्रे गर्म होगा, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। ये देखिए, तो जो प्रिंट आया है वो काफ़ी बेटर आया है। आप देख सकते हैं प्रिंट आपका कपड़े के अंदर चला गया, तो ये एक प्रकार से आपका लाइफ टाइम ही हो गया पूरा। अब हम इसका बैक प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हमने बैक प्रिंट के लिए लगा दिया है। तो यहाँ हम अपना पेपर भी ले लेते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ रखना है कि आपको प्रॉपर ऊपर नहीं करना है, तो आप चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। जैसे आप 4 उंगली या 6 उंगली का गैप लेके इसको आपको लगा देना है। और इधर मैं दोबारा से आपके सामने एक नॉर्मल पेपर यूज़ करूँगा, जिससे कि हमारा जो प्रिंट है ये ऊपर मशीन पर नहीं लगे। तो यहाँ हम पेपर भी लगा देते हैं, और इसके ऊपर हम लगा देंगे अपना बटर पेपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने टाइमिंग भी शुरू कर दिया, टाइमिंग हमारा कम हो रहा है, बीप कर रही है। तो यहाँ हम सबसे पहले मशीन की बीप बंद कर देंगे,
साइड से पावर ऑफ कर देंगे। यहाँ भी आपको सेफ्टी का ख्याल रखना है, ये जो ट्रे है ये काफ़ी गर्म होगा तो आपको सिर्फ हैंडल पे दबाना है, बाकी का सेफ्टी ग्लव्स वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यह है पीछे प्रिंट, तो आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस प्रकार से ये प्रिंट आया है। बाकी का आपको फ्रंट का भी दिखा देते हैं, ये है फ्रंट लुक। तो अभी आपने देखा कि इस तरह से हमने टी शर्ट पे लोगो प्रिंट कर दिया है और इसमें पीछे भी आप देखोगे तो बड़े साइज में लोगो प्रिंट कर दिया है। बेसिकली इसमें जो लोगो प्रिंट किया है इसकी जगह आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, अपना फोटो प्रिंट करवा सकते हैं, अपने चैनल का लोगो प्रिंट करवा सकते हैं, नाम प्रिंट करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो भी प्रिंट करवाना चाहो। सेम यही प्रोसेस है जैकेट प्रिंट का, आप ये देख सकते हैं, बस थोड़ा टाइमिंग का अंतर आता है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं ये जैकेट है जिसपे आगे भी लोगो प्रिंट किया है और पीछे भी लोगो प्रिंट किया है। आप जैकेट देखोगे तो मल्टी कलर में जैकेट आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे बहुत सारी कलर में जैकेट अवेलेबल रहती है, स्टॉक आता है स्टॉक जाता है। इसके अलावा टी शर्ट भी आपको मल्टी कलर में मिल जाती हैं। तो आपको किसी भी तरह की टी शर्ट को प्रिंट कराना है और ऑर्डर बुक करनी है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इनके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी ऑल इंडिया में डिलीवरी है, आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करोगे घर बैठे बैठे डिलीवरी हो जाएगी। आप सिंगल पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं और बल्क में भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर लगाएं। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।